हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13, ठीक है, ये है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। दोस्तों ये चैप्टर जो है कई मायनों में कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी सिलेबस के साथ आप देख सकते हो। जिनका सिलेबस इनसे मिलता है वो टॉपिक को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए जो है इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसमें आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों को डबल तरह से समझ में आएगा, यानी जो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो हिंदी में हो जाएगी, जो हिंदी में नहीं होगा वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो इतना अच्छा जो है त्रिपाण स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आज जो हम करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, यानी किस तरह जो है इंसानों में जो है पाचन क्रियाएं होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। और इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में भी हम करेंगे, इसमें हम इंस्टाइन सब चीजों के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है, द न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टूडे। अ प्लांट मैन्युफैक्चर देर ओवन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल इंक्लूडिंग अ ह्यूमन हैव टू टेक इन रेडी टू द मेड फूड। मोस्ट पार्ट ऑफ सच अ फूड कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट विच हैव टू द ब्रेकडाउन इन टू द सिंपल फॉर्म बिफोर देयर कैन बी अब्जॉर्ब इन टू द बॉडी। सच अ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड एंड सिक्वेंसली अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड कंसिस्टेंटली अकर इन साइड द डाइजेस्टिव ट्रैक इज अ एलिमेंट्री कैनाल। द डाइजेस्टिव ट्रैक इज टूगेदर विद देयर एसोसिएटेड विद द ग्लैंड कंस्टिट्यूट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। After the study, this lesson, you will be able to define the term of nutrition and mention or types of nutrition and draw the level diagram of alimentary canal of cockroach and of human and describe the step of involved to the nutrition of humans, ingestion, digestion, absorptions and assimilations and adjudications and differentiation between the intracellular and intercellular digestions of air and tablet of the organ of digestion is the enzyme that secrete their substrate equivalent to the upon to the enzymes and their end product of formate and explain the process of food absorption of contained regions of digestive tract and explain very their role of hormones in a digestive system and list some digestive disorder and mention their causing the symptom and remind. So their lesson is most important.
दोस्तों यहाँ पर जो है पोषण और पाचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे आज होने जा रहा है। ये टॉपिक जो है आप जरूर देखिए, पूरे पाठ को देखिए, क्योंकि ये ह्यूमन के रिगार्डिंग है। आपको पता इसे लग जाएगा कि इंसानों में जो प्रक्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है और हमारे शरीर में कौन सा अंग का क्या फंक्शन है, क्या एंजाइम का रोल है, क्या इसमें हार्मोन का रोल है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कहते पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसके बारे में हमने जाना, समझा और बहुत कुछ हमने देखा। लेकिन सभी प्राणी जिसमें जो मानव भी शामिल है पहले से ही तैयार भोजन करते हैं। आपको पता है पौधे जो अपना भोजन बना लेते हैं और उन्हीं पौधों को जो है इंसान खाता है, और इस भोजन का अधिकांश भाग जो है जटिल कार्बनिक अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाओं का बना होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी लगता है, जिसका विघटन होना आवश्यक होता है। अगर ये विघटन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तभी से वे जो है शरीर के भीतर अवशोषित किए जा सकते हैं। खाद्य पदार्थ का यह विघटन और उसके बाद खाद्य पदार्थ के अवयव यानी रचको यानी कॉन्स्टिट्यूशनली का अवशोषण जो है पाचन तंत्र आहार नाल के भीतर होता है। कहते पाचन क्षेत्र और उससे संबंधित ग्रंथि मिलकर जो है पाचन तंत्र का निर्माण करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस विषय में हम पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन जब आप इस चैप्टर को पूरा देख लोगे तो आपको पता लगेगा इस चैप्टर का अध्ययन के पश्चात आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, जैसे कि जो पोषण शब्द की परिभाषा कर सकेंगे और उसके विभिन्न प्रकार को बता सकोगे। ठीक है, जो आपके जो ककड़ुचिस होते हैं, तिलचट्टे होते हैं एवं मानव के आहार नाल होते हैं उसके बारे में आप आरेखित चित्र भी बना सकते हो कि कैसे जो है तिलचट्टे यानी ककड़ुचिस का जो है डाइजेशन सिस्टम होता है, मानव का कैसा होता है, तो इसका भी डायग्राम आप बहुत ही भली भांति बनाने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है, मानव के पोषण में अंतहित चरण जैसे कि अंतर्ग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वर्गीकरण तथा वल पोषण का भी वर्णन कर सकोगे, यानी जो खाना से स्टार्ट से लेकर जो भी जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है उस सारे प्रोसेसिंग के जो है आप अच्छे तरह से जान सकोगे। उसके पश्चात आंतरिक कोशिका या इंटरसेलुलर और आंतरिक कोशिक या इंद्रो सेलुलर पाचन में अंतर कर सकोगे, किस प्रकार इसमें अंतर होता है। साथ में आप जो है पाचन अंग उनके द्वारा श्वेत एंजाइम एवं एंजाइमों द्वारा अभिनियंत्रित पदार्थों और उनमें से निर्मित अन्य पदार्थों के तालिबंध भी कर सकोगे, किसमें से एंजाइमों में से क्या निकलता है, उसे पाचन में क्या अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। साथ साथ में आप पाचन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पोषण तत्व के अवशोषण की प्रक्रिया भी जान सकोगे कि कौन चीज़ों को कहाँ जो है अब्जॉर्प्शन होती है। साथ में आप पाचन के विभिन्न हार्मोनों के योगदानों की भूमिका के भी आप जो हो अवगत हो पाओगे। कहते हैं कुछ पाचन विकार और उनके होने वाले कारण, लक्षण और उपचार भविष्य जान जाओगे, यानी यहाँ पर हम कुछ डिसऑर्डर के बारे में भी बात करेंगे जो पाचन के रिगार्डिंग होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक आज क्या है। Our first topic is nutrition and digestion. Friend, it is the most important topic, nutrition and digestion here. Our food contain a number of organic and inorganic constituents to meet their requirement of our body. This food here constituent is a must be digested to be utilized by our body. The process by which the organism obtain the utilize of food for their growth, development and maintenance is called to nutrition. Friend, what is nutrition? Nutrition is the food for their growth, development and maintenance. It is called to nutrition, and the chemical constitution present in the food is called to nutrient. Nutrition and nutrient is a different word. So, the nutrition is there, the growth, development and maintenance. And other nutrient means there is the chemical constitution present in food. They are called to the nutrient. On the other hand, digestion is the breakdown of complex constituent of food by enzyme into simpler soluble form that can be absorbed and utilized by the cell of the body. In this lesson, you will be studying the various mode of nutrition, types of digestion and their process of digestion of food and the absorption and assimilation in a human. Their nutrition role of food continuity will be discussed here, 27th chapter. And here, types of nutrition. There are mainly two types of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. The autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition is the most important, shown in this flow chart. The nutrition here, the two types is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. First of all, the autotrophic nutrition is the auto means cell, troph means food. Green plant and contain bacteria manifest their own food, organic substance from the inorganic substance, CO2 and the H2O using the energy from sunlight.
बट अदर साइज है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हियर हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफी मीन्स फूड. द फूड इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. एंड हियर देर इज द हेट्रोट्रॉफी इज डिवाइडेड बाय द थ्री टाइप्स ऑन हेयर. द फर्स्ट इज अ होलोजोइक्स एंड सेकेंड इज अ सेपरोटॉपिक ट्रॉपी एंड द थर्ड इज अ पेरासाइटिस. इज अ होलोजोइक्स इज अ ऑर्गेनिक इन्वॉल्व देयर इज अ फूड इन टू द बॉडी डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब द सोल्युबल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन अ ह्यूमन बॉडी. एंड सेपरोट्रॉपिक्स मीन ऑर्गेनिक सीक्रेट और डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड अब्सॉर्ब द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन कंटेन बैक्टीरिया fungus and others. And other side is the parasitics means food is derived from to the other living organism by livings on the inside their body contain a bacteria, roundworms, tapeworm and costocotta. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि जो है पोषण और पाचन में क्या है आगे इसमें प्रोसेसिंग. कहते हैं हमारे भोजन में अनेक रजक होते हैं जो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं. इन खाद्य रजकों की जो है पाचन आवश्यक होता है क्योंकि तभी हमारे शरीर में उनका उपयोग भी किया जा सकता है. ठीक है, अगर वो रहेगा तभी जो है हमारा शरीर भी उपयोग करेगा. और उस प्रक्रिया को जिससे जीव अपनी वृद्धि परिवर्धन और अनुरक्षण के लिए भोजन प्राप्त करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं वो पोषण कहलाते हैं. ठीक है, यानी जो प्राप्त हमें करते हैं उनको उपयोग करते हैं अनुरक्षण करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं. तो यानी सिंपली वर्ड में आप जान सकोगे कि वृद्धि परिवर्धन और अनुरक्षण करते हैं उसे हम जो है पोषण कहते हैं. ठीक है, उसे पोषण का नाम यहाँ पर दिया गया है. अगर दूसरी तरफ हम देखें कि भोजन में जो है जटिल रजकों का जो है एंजाइम्स मौजूद रासायनिक अवयवों को जो है पोषक कहते हैं. देखिए पोषण और पोषक डिफरेंट वर्ड है. पोषण में जो होता है वृद्धि परिवर्धन और अनुसरण होती है, जबकि यहाँ पर जो है पोषक का मतलब होता है कि उसमें जो है रासायनिक कौन कौन से अवयव प्रेजेंट है. आप जो भोजन खाते हो उसमें रासायनिक अवयव होते हैं. जबकि दूसरी तरफ पाचन भोजन के विभिन्न जटिल रचकों के एंजाइमों के द्वारा जो है सरल विलयशील रूपों में जो है विघटित होता है ताकि शरीर की कोशिकाओं द्वारा उनका अवशोषण और उपयोग किया जा सके. इस पाठ में आप जो है पोषण के विभिन्न प्रकारों के पाचन के बारे में समझेंगे, जानेंगे और मानव के अवशोषण और शरीर के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा. लेकिन उससे पहले आपको देखने पड़ेगा कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं. देखिए दोस्तों पोषण के जो प्रकार होते हैं देखा गया है कि पोषण जो है विधियाँ मुख्य दो प्रकार की होती है. एक स्वयंपोषी होते हैं, एक विषमपोषी होती है, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं. आपको पता है कि स्वयंपोषी जो होते हैं यानी ऑटोट्रॉफिक्स जो होते हैं इसमें जो होते हैं अंग्रेजी के ऑटो के मीन्स अर्थ होता है स्वयं. ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है भोजन. हरे पौधे और कुछ एकर जीवाणु अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों के कार्बन डाइऑक्साइड और जल से स्वयं बनाते हैं जिसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है. लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो हम विषमपोषी की बात लें यानी हेटरोट्रॉफ की बात लें तो पोषण जो है अंग्रेजी के लेट्रो शब्द का अर्थ होता है विभिन्न और जो है ट्रॉफिक का अर्थ होता है भोजन. यानी भोजन जो है कार्बनिक पदार्थों के अकार्बनिक पदार्थों के अन्य जीवों को खाकर प्राप्त होता है. और ये जो कहते हैं विषमपोषी जो होता है वो तीन जो भागों में जो है विभक्त हो जाता है. यानी इसके तीन पार्ट जो आप देखोगे सबसे पहले तो है प्राणी समभोजी यानी पुण्य आंतरिक होती है, दूसरा होती है मृतपोषी और जो तीसरा होती है परजीवी. देखिए पहला होगा परिणसम भोजी, दूसरा होगा मृतपोषी और तीसरा होगा परजीवी. तो कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों, ये तीन तरह के होते हैं. प्राणी सम जो होती है भोजी यानी पुण्य आंतरिक बात कहते हैं उसमें जो होता है जीव भोजन को अपने शरीर के भीतर ले जाते हैं और उसे पचाते हैं जैसे और पाचन के जो है विलयशील उत्पादों को अवशोषित करते हैं जैसे मानव ये सारी प्रक्रियाएं देखने को मिलता है. दूसरा है मृतपोषी यानी इसमें जीव पाचक जो है एंजाइम मृत कार्बनिक पदार्थों पर डालते हैं और पाचक के उत्पाद को अवशोषित करते हैं. उदाहरण जो है कुछ अगर जीवाणु हो गया और कवक होता है जो मृतजीवी पे जो है अपना जीवन यापन करते हैं. और परजीवी जो होता है भोजन के अन्य जीवधारी के शरीर के ऊपर रहते हुए अपने शरीर के भीतर रहते हुए क्रिया करते हैं. जैसे आपको पता ही है जीवाणु हो गया, गोलकुम्मी हो गया, टेप बॉम हो गया, फीतकुम्भी जी कहते हैं इसको और कष्टकुटा जो होती है जैसे कि अमरबेल. ये सारे चीज़ों जो होते हैं परजीवी होते हैं जो दूसरे जीवों का जो है भोजन ग्रहण करते हैं. देर आर अ फाइव मेजर स्टेप इन एनिमल न्यूट्रिशन होलोजॉग न्यूट्रिशन. देर आर फाइव मेजर स्टेप इन एनिमल न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजॉलिक न्यूट्रिशन. द फर्स्ट द फूड वी टेक कंटेन हाईली कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. दिस सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच बाय अवर बॉडी. दिस हैव टू बी अ ब्रेक डाउन इन टू द सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बिफोर देयर कैन बी एंटर इन टू द सेल. द
द प्रोटीन मस्ट बी ब्रोक डाउन इनटू द अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज द फैट्स इनटू द फैटी एसिड इज द ग्लिसरॉल अमीनो एसिड ग्लूकोज इज अ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर द सिंपल सब्सटेंस एंड कैन बी डायरेक्टली यूटिलाइज बाय अवर बॉडी दिस ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कॉन्स्टेंटली एंड देयर इज अब्सॉर्प्शन इज accomplished by their digestive system the process involved in nutrition are the first is ingestion is a take in food swelling and the sucking into our swellings and second is digestion is the conversion of complex food into a simple absorbable form and third is absorption is absorbing to the digestion food from to gut to reach the body tissue And assimilation is the utilization of digestion food nutrient by the body tissue. And at least fifth is a ingestion. It is a removal of undigested and unabsorbed food from the body. देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि प्राणी पोषण यानी प्राणी भोजी पोषण के पांच प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। जैसे इंसान में भी जो है जो खाना भोजन जो होती है पांच प्रक्रियाओं से गुजरती है और वो पांच प्रक्रिया कौन सी है इसके विषय में है यहाँ पर। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उनमें अधिक जटिल पदार्थ शामिल होते हैं जैसे विभिन्न विटामिन होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं वसा होती है। इस पदार्थों का हमारा शरीर इसी रूप में उपयोग नहीं कर सकता। आपको पता ही है कि ऐसा ही हमारा शरीर उपयोग नहीं करता है उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। इनको जो है सरलतर और छोटी अणुओं में बदलना जरूरी होता है तभी हमारे शरीर जो है कोशिकाएं भीतर प्रवेश पा सकते हैं। प्रोटीन को विभिन्न एमिनो अम्ल में बदला जाता है और कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में बनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों प्रोटीन को जो है एमिनो अम्ल में बदलना होता है और कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में बदलना होता है और वसा को जो है वसल अम्ल यानी ग्लिसरॉल में बदला जाता है। भोजन को इसी जटिल रचकों को जो है उपयोग करता है जो विघटन हो जाती है उनका अवशोषण पाचन तंत्र द्वारा जो है संपन्न होती है और जो है भोजन में विभिन्न प्रक्रियाएं जो होती है कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले हमारे होता है अंतग्रहण। ठीक है अंतग्रहण जो पहला प्रोसीजर है इसमें हम मुख को लेते हैं इसमें भोजन ग्रहण करना होता है उसे चबाना होता है और उसे चूसना और उसे निगलना होता है जो ये सारी क्रिया जो होती है मुँह के अंदर होती है। उसके बाद पाचन क्षेत्र में चला जाता है जहाँ पर जटिल भोजन को जो है सरलतम अवशोषण या अवशोषण योग्य रूप में बदलना होता है जहाँ पर बहुत तरह के एंजाइम रिलीज की जाती है। उसके बाद है अवशोषण करना। आहार नली से पचे हुए भोजन को अवशोषण और शरीर के उत्को तक पहुँचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो किडनी का काम किडनी जो होता है ऐसा ही काम करता है सारे पोषण को जो है स्वगीकरण करता है यानी चौथा पार्ट जो है हमारा स्वगीकरण है शरीर के उत्को द्वारा आहार को पोषक तत्व का उपयोग करना। ठीक है जब अवशोषण कर लेता है किडनी तो उसको जो है स्वगीकरण करवाया जाता है जहाँ पर जो है विभिन्न भागों में जो है शरीर के भेजा जाता है जहाँ पर जो है ये स्वर्गीकरण कराया जाता है यानी पोषक तत्व का जो है उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात जो पदार्थ हमने जो है इनहेल किया था खाया था उसका जो है वही क्षेपण यानी जो है इंजेक्शन के द्वारा जो है अपचयित और अनावशोषित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पाँच प्रक्रिया जो है हर एक मानव शरीर में चाहे एनिमल शरीर में जो है होता है। तो फ्रेंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। What do you mean to the types of digestion in intracellular and extracellular? Generally, two types of digestion are seen to the heterotrophs is the intracellular and extracellular. The first of all, intracellular digestion, intra, inside. Intra mean inside. All the five steps of nutrition occur inside the cell itself as the amoeba, paramecia and other unicellular animal. Here show in this intracellular digestion in amoeba, their active appearance in the food and pseudopodia is the air. The pseudopodia is a convert to the food scraps and there is a food corpus vacuolus is the absorb and there is a digestion of the amoeba in here. The food particles such as mint or bacteria are enclosed or covered there is a pseudopodia and pseudo means false podia means feed to form of food vesicles ingestions. And enzyme for cytoplasma are secreted into the food vesicles to the breakdown to complex food of digestion. The digested is a food is absorbed into the cytoplasma is your absorption and to absorb the food used by the wherever required in the cell is a assimilation and the at least last the undigested unabsorbed food is expelled when to the food vesicles come near the cell surface and burst open is a ingestion and food vesicles are temporarily stretched and every time to the amoeba feed a new food vesicles is a produced all free
लिविंग्स इज अ यूनिसेलुलर एनिमल कैरी आउट द इंट्रासेलुलर डाइजेशंस एज अ मेंशन अबव। दोस्तों यहाँ पर जो है पाचन के दो प्रकार दिखाया गया है, एक है अंतराकोशिकीय, एक है बाह्य कोशिकीय। यानी अंतराकोशिकीय का मतलब होता है जो है इंट्रासेलुलर होता है, और बाह्य यानी एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कोशिकीय बाह्य, यानी कोशिकीय बाह्य का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे मर्जी समझिए, आपको सिर्फ समझना है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अंतराकोशिका यानी अंतरकोशिका पाचन। तो अंतराकोशिका पाचन जो होती है अमीबा में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है। कहते हैं पोषण के पांच चरण जो स्वयं कोशिका के भीतर संपन्न होती है सारी क्रियाएं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और अन्य कोशिकीय जीव में ऐसा पाया जाता है। अब यहाँ पर चित्र भी देख रहे होंगे कि अमीबा जो है सक्रिय जो है शिकार अपना अपने तरफ करता है, और उसको क्या करता है धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर, जिसे हम जो है पाद भव कहते हैं, यानी जो है इसको हम सिटोपोडिया कहते हैं, जो धीरे धीरे जो है उसको कवर करता है, यानी वो जो है यू शेप में आता है, और उसको जो खाद्य पदार्थ होता है उसको जो है खाद्य कप से अंदर लेने की कोशिश करता है, और एटलीस्ट जो है अंदर ले जाने के बाद जो है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह जो है अमीबा अपना खाद्य पदार्थ को है ग्रहण करता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो देखिए इस प्रक्रिया में क्या होती है। सबसे पहले तो होता है खाद्य कणिकाएं जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं को पादभावों द्वारा घेर लिया जाता है, यानी पकड़ लिया जाता है चारों तरफ से, और उसको है खाद्य ध्वनि बना दिया जाता है, जिसे हम अंतग्रहण कहते हैं, जैसे इंसानों में भी होता था। कोशिका द्रव्य संचालित एंजाइम जो है खाद्य ध्वनि से पहुंच जाते हैं और जटिल भोजन को जो है विघटित कर देते हैं, जिसे हम पाचन का नाम दिया है। पचे हुए भोजन को जो है कोशिका द्रव्य में शोषित कर लिया जाता है, जिसको हम अवशोषण का नाम यहाँ पर दिया है। तो ये सारे प्रक्रिया जो हो रही है दोस्तों अमीबा में हो रही है। उसके बाद है अवशोषण, भोजन को जो है कोशिका के भीतर जहाँ भी आवश्यकता होती है उपयोग कर लिया जाता है, जिसको हम स्वैगीकरण का नाम दिया है। कहते हैं अपचयित जो अनअवशोषित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है, यह क्रिया खाद्य ध्वनि के कोशिका स्तर पर पहुँच कर फट जाने पर होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है वही पोषण हो जाता है, यानी बाहर जो है कोशिका के निकल जाता है, यानी भोजन जो है अब्सॉर्प्शन हो जाती है। कहते हैं खाद्य ध्वनियाँ अस्थायी रचनाएँ होती है, और जब भी अमीबा आहार ग्रहण करता है तो हर बार एक नई खाद्य ध्वनि बन जाती है। सभी मुक्तिजीवी जो है कोशिकीय सूक्ष्म प्राणियों का अंतरकोशिका पाचन होती है। देखिए दोस्तों अमीबा का कोई अपना शेप नहीं होता, तो कहीं से भी ये जो है अपना खाद्य ध्वनियाँ बना लेती है। जब भी वो ग्रहण करती है तो कहीं भी नई खाद्य ध्वनि बनाने की जो क्षमता है अमीबा में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फ्रेंड, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज अ मीन्स एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड। The outside is here. Digestion occurs outside the cell. All animals, including sponge, and carry out the extracellular digestion. They have either a cavity as a tube or food canal, which either receive the ingested food, digestive enzymes, and provide over to the food, and their product of digestions are absorbed back into the cell. The undigested unabsorbed food is thrown out of the digestive cavity. For example, so in the digestion organ of the cockroach, where is the extracellular digestion occur. Friend, here show the cockroaches as their extra digestions occur here. You observe this digestive organ of cockroaches extra digestions here, pharynx as a salivary gland, also phagus and crops and ventriculars and hepatics, aqueous, midguts and the malophians, tubers, ileums and colons and ductums is a present of here. There is a digital structure there, class of BSc student zoology, there is tech, and there is a digestive organ of cockroaches extra digestion is the most important for the BSc level. दोस्तों हमारे समक्ष जो यहाँ पर है कोशिका बाह्य पाचन। देखिए ये जो होता है बाह्य जो है पाचन क्रिया होती है, जैसे कि आपको पता है कि ये पाचन कोशिका के बाहर होती है। सभी जंतुओं में जो है स्पंजों के अतिरिक्त जो होता है कोशिका बाह्य पाचन होती है, सिर्फ स्पंज को छोड़ के। तो ये एक्सेप्शनल केस है, कई बार एग्जाम में आता है कि एनिमल होते हुए भी जिनका जो होता है बॉडी के अंदर होता है पाचन, उसका नाम बताइए। तो आपको याद रखना है कि ये स्पंज है, ठीक है, स्पंजो है, ठीक है, कोशिका बाह्य पाचन होती है। इसमें जो है गुहा एक नली अथवा एक आहार नाल होती है। कहते बाह्य कोशिकीय जो होती हैं उसमें एक जो होता है एक गुहा होता है, एक नली होता है, एक आहार नाल होती है, जिसमें अंतर्ग्रहण क्रियाएँ
किया गया भोजन पहुंचाता है, यानी आप जो भी ग्रहण करते हो उसको वहां तक पहुंचाता है। कहते हैं पाचक एंजाइमों को जो है भोजन के ऊपर डाल दिया जाता है और पाचन के उत्पादों को आपस कोशिकाओं के भीतर अवशोषित भी कर लिया जाता है। अपचयित अनावशोषित भोजन को पाचन गुहा में से बाहर निकाल दिया जाता है, जो है तिलचट्टे के पाचन तंत्र दिखाए गए जिनमें कोशिका बाहरे पाचन संपन्न होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक आपको कॉकरोच का डाइजेशन सिस्टम दिखाया गया है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये बीएससी लेवल के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बीएससी जो जूलॉजी ले रखे होते हैं उनमें जो है ये डायग्राम आ जाता है एग्जाम में बनाने के लिए कॉकरोचेस के। तो इसमें आप देखोगे तो ये भी एक विस्तृत डायग्राम है। अगर कहीं हद तक देखा जाए तो ये कहते हैं ना हर एक जो एनिमल है वो इंसानों से ही मिलता जुलता ही उनके जो होते हैं पूरे प्रोसीजर होते हैं। जिसमें इसमें देखिए अगर आपको दिख रहा होगा इसमें जो है ग्रासनी है, जो है लाल लार ग्रंथि पाया गया है, गासिका है, अनुपुट कॉप्स है, और यहाँ पर जो है क्लूटिकल है, यकृति अनाल्स है, मध्यात्र है, और मेलगिपिया नालिका है, शुद्धांत्र है और विद्रांत है, यानी इलियम्स एंड क्लोरेंस प्रेजेंट होती है और मलाशय होती है जिसको हम रेक्टम कहते हैं। तो ये सारे कुछ जो होते हैं पाया जाता है, चाहे ओसोफेगस की बात किया जाए, इंजेशंस यानी लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात किया जाए या रेक्टम का किया जाए, ठीक है, ये सारे जो है कॉकरोच के डाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे बीएससी लेवल के हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उनके भी एग्जाम में जो है डाइजेस्ट सिस्टम आ जाता है तिलचट्टे का। तो ये जो है कॉकरोच का जो है पाचन तंत्र जिनमें कोशिका बाहरे पाचन होती है का एक एग्जाम्पल आपके समक्ष दिखाया गया था। नंबर नेक्स्ट टॉपिक इज ज्वाइंट इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। फ्रेंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम व्यू ज्वाइंट इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट ऑन वन बॉडी इन अ हाइड्रा एंड अदर कॉन्ड्रेरियंस द फोर टेनी प्रे इज द कैप कैच बाय देयर टेंटिकल्स एंड इंजेस्टेड थ्रू देयर माउथ इन टू द सिंगल लार्ज डाइजेस्टिव कैविटी इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी is called to the gastrovascular cavity. The enzymes are secreted from their cell bordering their cavity and roll on their food for the extracellular digestions. The small particle or particles is the digested food are engulfed into the vasculars of the digestive cell lining of gastrovascular canal. And for intracellular digestion, any undigested and absorbed food is finally thrown out their mouth. फिर शो दिस डायग्राम देयर इज द हाइड्रा कैचिंग इज अ प्रे देयर फोर डायग्राम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रे देयर इज द प्रीज इज द साइकोक्लॉप्स इज द हेयर प्रेजेंट एंड द कैचिंग द प्रेयर्स फॉर द हाइड्रा एंड एट लीस्ट इज द इंजेशंस एंड द बॉडीज एंड द हेयर द लास्ट इज अ डाइजेशन इज द हाइड्रा इज कैचिंग द प्रेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर हेयर देयर इज डिफरेंट कैचिंग ऑफ द फूड्स यू नो ऑफ बॉडीज। दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है कि संयुक्त आंतर कोशिकीय और कोशिकीय बाहरे पाचन। देखिए ये एक ऐसा मतलब है जिसका एक विशिष्ट अपना स्थान रखता है। संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट। देखिए इसमें अंतर कोशिकीय भी है और कोशिकीय पाचन भी है, बाहरे कोशिकीय भी है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही प्रेजेंट है। तो ये जो है काफ़ी खास रहता है और आपको याद रहे कि ऐसा क्वेश्चन जो है पीएमटी में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस में ही माना जा सकता है। जैसे ये सारे प्रक्रिया जो होता है हाइड्रा में हमें देखने को मिलता है। कहते हैं हाइड्रा ही एक ऐसा है जिसमें ये दोनों तरह की जो है क्षमता होती है, ठीक है। कहते हैं हाइड्रा तथा जो है अन्य जो भी नेटोडेलियस में आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी नीडेरियस प्राणी जो होते हैं इसी कैटेगरी के होते हैं, जिसमें हाइड्रा प्राणी में आहार जो है सूक्ष्म शिकार को सपर्कों की सहायता से जो है पकड़ लिया जाता है और मुख के द्वार बड़े आकार की एकल पाचन गुहा अर्थात जटरवाही गुहा में अंतर्ग्रही कर लिया जाता है। जैसे चित्र में भी आप देखोगे इस गुहा के चारों तरफ जो स्थित कोशिकाओं से विभिन्न एंजाइम स्वतंत्र होते हैं और ये जो है कोशिका बाहरे पाचन के लिए उन भोजन के ऊपर जो है आश्रित हो जाते हैं। तो कहते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि डायग्राम में भी यहाँ पर शो करने की कोशिश किया गया है कि बहुत एक जो है विशिष्ट है। कहते हैं कि यहाँ पाचन शिकार करते हुए जो हाइड्रा को दिखाया गया है, आप यहाँ देखोगे पहला में जो है
शिकार को पहचानना। सबसे पहले जो है हाइड्रा जो है शिकार को पहचानता है, ठीक है, शिकार आ गया उसके सामने, साइक्लोस्पस के जो रिगार्डिंग जो है वो अपने आप को उसको कैप्चर करने के लिए पकड़ेगा, यानी सोडोपोडिया की तरह बनाएगा और उसको जो है कैप्चर करने का कोशिश करेगा। शिकार को फिर क्या करेगा, धीरे 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 उसको पकड़ेगा और पकड़ लेगा, फिर उसको जो है अंतर्ग्रहण कर लेगा, यानी ये अंतर्ग्रहण करेगा फिर धीरे धीरे जो है उसको पचाएगा। तो इस प्रकार जो है हाइड्रा अपना शिकार को पकड़ता है और भोजन करता है। देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल था वो हमारे दोनों तरह के पाचन क्रियाओं को दर्शाता था, ये इंटरनल भी था और ये एक्सटर्नल भी था, ये आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के था। कहते हैं इसमें जो अगर आप देखोगे कि ये तो धीरे धीरे होते हैं पचे हुए भोजन को अपशिष्ट कर देते हैं, अंततः तो जो पचे हुए भोजन को छोटी छोटी कणिकाओं को पाचन कोशिकाओं की जो खाद होने के भीतर से लिया जाता है ताकि उनका जो है अंतर कोशिकीय पाचन हो सके। शेष बचे अपचयित और अनावशोषित भोजन को जो है अंतमुख के जरिए जो है बाहर निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि सांप भी यानी स्नेक भी ऐसा ही करता है, कोई चीज़ को ग्रहण करता है और उसमें से सारे जो है प्रोटीन चूस के फिर द्वारा जो है निकल देता है। तो ये काफ़ी एक अलग ही दर्शाता है इन चीज़ों को, ठीक है। स्नेक में भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया होते हैं, लेकिन हाइड्रा जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें है, क्योंकि हाइड्रा जो है इसमें दोनों तरह के एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह के जो है यहाँ पर क्रिया दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो सिर्फ आपको स्नेक इसलिए याद दिला रहा था कि स्नेक भी जो होता है कोई भी अपने जो दुश्मन होते हैं प्रेडेटर होते हैं जिसको वो भोजन करते हैं उसको एज इट इज निगल जाते हैं और उसके अंदर अब्सॉर्ब जितने भी मिनरल्स न्यूट्रिशन होते हैं उसको सोख लेते हैं, उसके बाद एज इट इज जो है उसको जो है उगल देते हैं, यानी इसको बाहर बॉडी से निष्कर्षित कर देते हैं। तो ये ऐसे ही हाइड्रा भी करता है, कोई चीज़ अब्सॉर्ब करता है और अब्सॉर्ब करने के बाद जो है उसकी वजह से सारे एनर्जी लेके फिर उसको एज इट इज़ जो है मुख के जरिए बाहर निकाल देता है, मुख के जरिए जो है वो बाहर निकाल देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी हमने इसमें जो है विस्तृत रूप से जाना और समझने की कोशिश किया कि हमारा जो है कितने टाइप्स के जो है पाचन तंत्र होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रेंड द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल class. There the digestive system is a human consist of a alimentary canal and associated with the digestive gland. The human alimentary canal is aligned to the nourish. Is the continually is a muscular digestive tube that run through the body. It is open into two end with the opening which are a mouth or anterior end and the anus. At the postures end, its digestive food is a break it is down into the smaller substance and the absorb the digested food. The alimentary canal has the flowing part. The here, alimentary canal is a part as a mouth and the associated with the organs, the teeth and tongues. And pharynx to thorax as a cavity at the back of the mouth. It is a common passage for the inhale air and the swallowing food. That is the pharynx is there is inhale to air and food. There is a two work of the pharynx. And third is a esophagus. Friend, esophagus is a narrow the arising from the pharynx continually through the thorax and ending the stomach. There is a esophagus a ending of stomach. The stomach as a elastic bag with a highly muscular as the wall localized below to the diaphragm. Friend, this stomach is the most important elastic bag. There are highly muscular balls and localized below to the diaphragm. And the fifth is a small intestine. Friend, the small intestine is the longest part of the alimentary canal. The small intestine is the longest part of alimentary canal, a tube about 7 meters long. The tube is 7 meters long, about 2.5 centimeters wide, which is a coil and a folded. It is a coiled and folded. It is a containing in the abdomens. There are three subdivisions are the. The first is the duodenum, as a short upper part of the next stomach. And the ileum is the slightly longer part, about 2 meters long. And the third is the ileum is a longer, about 4 meters long, coiled and twisted. Friend, here the solar diagram is the oral cavity, mouth, some axillaries and the subucous gland, liver, gallbladder, stomach, esophagus, pharynx, and parotid gland. There is a most important diagram for the study for the all student. This is the next part is the duodenum and transverse colons, ascending colons, ileums, casuals, and perforamen, appendix, and the rectum.
rectums and the descending colons, duodenum, pancreas, stomach. There is the human alimentary canal and the secretory gland is present of here. It is the most important part of the human body. Number 6 point is a large intestine, about a 1.5 meter long and has a 3 part. There is a 3 part are divided. Colicums is a small blind pouch at the junction of the small and the large intestines. All the narrow worms is a shaped tube. The worm forms is appendix and project from to the colicums and the colon. All little over 1 meter long, it has 3 parts, stomach, ascending trunks of and the descending limbs of the colon. And the rectums is the most important part, the last part about 15 centimeter long. It has 2 parts, the rectum proper and the anal canal. Ans is the external opening surrounding by the circular muscle sphincter. And there performs is the appendix is a vestibular functionalist organ is a human, but it's a large and functional is the herbivorous mammals. दोस्तों यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है मानव पाचन तंत्र. देखिए हमारे अपने बारे में जानना हमें बहुत सुखद महसूस होता है. क्यों? क्योंकि हम जो है अपने बारे में जान के हमें पता लगता है कि हमारे कौन से ऑर्गन जो है क्या कार्य है, उनका क्या फंक्शन है और किस लिए ये जरूरी है और ये कैसे दिखते हैं, इनका क्या मतलब रोल होता है हमारे जीवन में. तो कहते हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में जानना हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है हम कई तरह के जो है बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस ऑर्गन का क्या कार्य है और कैसे जो है उनको तकलीफ मिलता होगा. कहते हैं मानव पाचन तंत्र में जो है आहार नाल और संबंधी पाचन ग्रंथियां शामिल होती है. ठीक है, मानव आहार नाल जो होती है एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं इसको. एलिमेंट का मतलब होता है पोषित करना. ठीक है, एक जो है अवक्षणीय पेशीय जो होती है पाचन नाली के रूप में होती है, यानी ये पाचन नाली के रूप में हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है, जो है शरीर की लंबाई में स्थित होती है. ये दोनों सिरों पर खुली होती होना है. ठीक है, यानी दोनों सिरों पर जो है खुला होता है, यानी जो आनुष में जाके ख़त्म होता है. अंग्रहित सिरा पर मुख होता है और पार्श्व सिरा पर जो है गुर्दा होता है, जिसमें अंश कहते हैं. यानी मुख जो होता है जहाँ से हम खाना जो है चबाते हैं और खाना जो है डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गुर्दा से जो है बाहर बॉडी से ये निष्कर्षित हो जाती है. तो यहाँ पर जो बताया गया कि पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य जो होता है भोजन को पचाना, उसे छोटे छोटे पदार्थों में बांटना और पचे हुए भोजन को अवशोषित करना. कहते हैं आहार नाल के जो है निम्नलिखित भाग होते हैं. देखिए आहार नाल के जो हम इसके भाग देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये शुरू कहाँ से हुई थी और इसका जो है ख़त्म कहाँ हुआ है. तो ये जानना हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सुखद भी रहती है. कहते हैं जो भोजन का जो स्टार्टिंग पाचन तंत्र स्टार्ट होती है वो होती है मुख से. कहते हैं मुख में जो है और संबंधी अंग जो होते हैं उसमें दांत, जीवा जो होती है, यानी जो टीथ होती है, डंक्स जो होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मुख में निभाती है, जिसकी वजह से भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है. उसके पश्चात है जब ये मुख में च्विंग कर ली जाती है. ठीक है, च्विंग हो जाती है पूरी तरह से जब चबा लेते हो आप, तो ये ग्रसनी की तरफ जाती है अथवा मुख के पीछे स्थित एक गुहा होता है. यह सांस के साथ ली गई वायु और निकले हुए भोजन के लिए एक सामान्य मार्ग होता है. यानी आप देखते होंगे जैसे ही मुंह के अंदर हम एंट्री भोजन कराते हैं तो उस जगह जो है हमारा श्वसन नाल भी होती है जहाँ से हम सांस भी लेते हैं. आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आप ठांस ले जाते हो या कुछ गलत तरीके से आपके जो है जहाँ से आप सांस लेते हो उसी एयर में जो है चावल के टुकड़े चले जाते हैं तो आपके नाक से निकलते हैं. तो इसका कारण यही समझ सकते हो ना कि जो दोनों जो है एक ही जगह ओपनिंग हो रही है और यहाँ से जो है आपका भोजन जो है ओसोफेगस के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है, यानी यहाँ से जो है भोजन आगे बढ़ता है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि यहाँ पर जो है सांस की नली भी होती है. तभी एक बात होती है कि जब भी खाते समय हमें बोलना नहीं अधिक चाहिए. ठीक है, खाना जो है प्रॉपर ढंग से खाने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि आपको पता है अगर गलती से आहार नाल की जगह पर अगर वो जो है आपका सांस नली में अगर भोजन का टुकड़ा चला गया तो इवन यहाँ तक इंसानों की मृत्यु तक भी हो जाती है. ठीक है, क्योंकि इससे सांस जो है अवरुद्ध हो जाता है और इंसान की मृत्यु होना संभव हो जाता है. तभी तो कहते हैं कि खाना खाओ तो बहुत ही शांत मन और कोई तरह की टेंशन ना लेके सिर्फ भोजन पे ही जो है आपका कंसंट्रेशन होना अत्यंत आवश्यक है. तो देखिए ये भी अगर आप जान जाते हो ना तो इससे भी आप कई तरह की बीमारी और कई तरह के जो है डॉक्टरी खर्च से भी बच सकते हो. कहते हैं उसके पश्चात आता है ग्रासिका. देखिए
ग्रासिका जो होती है वो भी अपना एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं यहाँ पर जो संकरी नली जो ग्रासनी से आरंभ होती है और जो गले में होती हुई अमाशय में जाकर समाप्त हो जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है कि ये जो है संकरी नली जो ग्रासनी से आरंभ होती है और गले में होते हुए अमाशय तक जाकर समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अमाशय। देखिए दोस्तों, अमाशय का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कहते हैं यह जो होता है एक लचीला थैली जिसकी भित्तियाँ अत्यधिक पेशी युक्त होती है, अमाशय डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। हमारा जो डायफ्राम होती है उसके नीचे जस्ट आप देखोगे तो वो स्थित होती है। तो अमाशय जो होती है एक लचीला थैली होती है, जितना मर्जी आप भोजन कर लो जितना मर्जी वो फूलता ही जाएगा, यानी वो रबर की तरह होती है, ठीक है, वो फैलती ही रहती है। तो अमाशय जो है अपना महत्वपूर्ण, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो होते हैं खाना होता है, देखिए हमें मित व्ययी बनना चाहिए, खाना जो है अधिक खा लेने से आपको सारा एनर्जी नहीं मिल जाता है, ये आपको एहसास और समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे जो होता है हमारा शरीर ही खराब होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष शुद्रांत, जिसको हम छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं। छोटी आंत जो है हमारे शरीर में जो है गुच्छा के रूप में होती है, कुंडलित होती है। कहते हैं यह लगभग जो होती है 7 मीटर लंबी होती है। दोस्तों ये 7 मीटर लंबी होती है, तो 7 मीटर समझ सकते हो कितना बड़ा होगा। और ये लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और एक नली होती है उधर के भीतर स्थित, यह नली अधिक कुंडलित और वल्य होती है, इसके 3 उपविभाजित भाग होते हैं, यानी ये जो होते हैं सांप की तरह कोयल बने हुए होते हैं, आपने कभी देखा भी हो समझा भी हो, तो ये कुंडलित होती है। कुंडलित का मतलब होता है सांप जैसे कुंडली मार लेता है, इतना बड़ा सांप होता है और इतना छोटा दिखता है, तो उसको कुंडली की तरफ जो है इसको बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये हमें शरीर में जो है छोटा नज़र आता है, ठीक है। लेकिन इसकी लंबाई जो है 7 मीटर के लगभग है और चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखती है। PMT में कभी भी पूछ भी लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। अब कहते हैं आगे जो है इसका और किस चीज़ से मिलता है। पहला तो हमारा होता है ग्रहणी, यानी डायर जो है डायनो डम्स, यानी अमाशय के बाद स्थित छोटे आकार का एक ये भाग है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अग्रदंत, यानी मध्यात्र, लगभग 2 मीटर लंबा और लेस जरा सा अधिक लंबा भाग ये होता है। उसके बाद हमारे समक्ष है सिद्धांत, यानी इलियम्स, ये सबसे लंबा लगभग 4 मीटर लंबा ऐठा हुआ भाग नज़र आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ही मानव चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, जहाँ पर मुख गुहा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है मुख भी दिख रहा होगा, उसमें जो है भोज्य पदार्थ को अंदर लिया जाता है। चेपेरेड ग्रंथि पाई गई है ग्रासनी, आप देख सकते हो एक यहाँ पर नली जो दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ ग्रासिका दिख रहा है जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में आपको इधर दिखेगा युक्ति, युक्ति को हम लीवर कहते हैं, और पित्ताशय जो है पैंक्रीस ग्लैंड भी आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी के साथ जो है अमाशय है, यानी एसोफेगस जो है, अमाशय जो है स्टमक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्ट है ये। उसके पश्चात हमारे यहाँ ग्रहणी है, अंगनाशय है, ठीक है, पैंक्रीस ग्लैंड भी यहाँ पर मौजूद है, अनुप्रस्थ आंत है, देखिएगा यहाँ पर देखिए आंत है ना जो हमारी जो है कितनी कुंडलित बनी हुई है, ठीक है, ये जो है रोहि वृत्तखंड अनोद कोलोन जो होती है पाई जाती है, और ये कुंडलित जो होती है तभी ये छोटा हमें नज़र आता है। और जो यहाँ पर आप देखोगे जो विद्यांत है, यानी बड़ी आंत जो है मोटी सी आपको लेयर दिख रही होगी, बड़ी आंत है, और इसके अंदर जो है छोटी छोटी जो पतली पतली बनी हुई है वो छोटी आंत के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कहते हैं ये इतना विस्तृत है हमारे शरीर में, शायद हमें पहले पता भी ना रहा हो। और लास्ट में जो ये खुलता है गुर्दा के साथ, यानी शरीर से बाहर इसको निष्कर्षित करने के लिए। तो मानव आहार नाल जो है सबसे संबंधित ग्रंथियाँ हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना स्थान रखता है। अब यहाँ पर जो है बड़ी आंत के बारे में भी हमें जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं लगभग जो है 15 मीटर लंबी इस आंत में 3 भाग होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये बड़ी आंत जो होती है लगभग 15 मीटर लंबी इस आंत में 3 भाग होते हैं। अंदरनाल जो सीकम्स कहते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत के संगम स्थल पर स्थित एक छोटा सा अद्र कोष्ठ, इसमें एक संकरी कुमी जैसी नली, यानी कृमि रूप्स परिशोकिका बाहर की तरफ निकली हुई नज़र आती है। उसके पश्चात हमारा विद्रंत, यानी कोलन जो होती है 1 मीटर से थोड़ा अधिक लंबे भाग में, जिसके 3 हिस्से अरोही यानी अनुप्रस्थ और अवरोही शाखाएँ होती हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मलाशय। देखिए मलाशय जो होता है अंतिम भाग जो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसके 3 हिस्से होते हैं, यानी यथायत मलाशय और गुर्दा नाल होते हैं। गुर्दा बाहरी द्वार होती है और वर्तुल्य पेशी अवरोधन पेशी से
जो है घिरी हुई नज़र आपको आ जाएगी। कहते हैं मानव में जो है क्रिमिक रूप्स पेरिशोषिका यानी ब्रेस्टियल एक अवशोषी जिसका कोई कार्य नहीं होता है अंग है, लेकिन सहकारी स्तनधारी में यह बड़ी आकार और कार्यात्मक होती है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर बात बताई गई है कृमि रूपी परिशोकिका जो होती है, कहते हैं जिसका कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन उनमें कार्य अधिक होता है जो शाकाहारी होती है। शाकाहारी को पहचानने के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम वेस्टिजियल्स कहते हैं। वेस्टिजियल्स जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो शाकाहारी स्तनधारी हैं उनमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है, लेकिन कहते हैं हमारे लिए जो है अवशोषित रूप में इसका कोई कार्य नहीं होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, द सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, देयर आर टू सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, द ग्लैंडुलर्स अ सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन इज व्हिच इज डायरेक्टली पोर्ट हियर इज सीक्रेशन इनटू द ल्यूमेन ऑफ देयर गट और देयर एलिमेंट्री कनाल। द स्पेशल ग्लैंड सच एज द सेलवरी ग्लैंड, देयर लीवर्स एंड द पैंक्रियास व्हिच इज अ पोर देयर सीक्रेशंस इनटू द गट थ्रू देयर डक्ट, एंड अवर माउथ इज अ वे मॉइस्चर इज इवन ऑन देयर हॉट समर डे। हाउ डज दिस हैपन? दिस इज अ हैपन बिकॉज देयर इज अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा व्हिच इज सीक्रेटेड बाय अ सेलवरी ग्लैंड इनटू द माउथ कैविटी। इट इज द सलाइवा दैट कीप द माउथ मॉइस्चर ऑल द टाइम, देयर मॉइस्चर मॉइस्चर टू ऑल द टाइम्स ऑफ द सेलवरी ग्लैंड। There is a salivary gland. Is there are three pairs of a salivary glands in our mouth cavity. The first is a parotid's gland. There is a localized in the front of and the below the each ear, produce a watery saliva which is the amylase start digestive enzyme. A second is a submaxillary gland. The submaxillary gland is close to the inner side of the lower jaw, produce water and a mucus. And third is a sublingual gland. Salivary glands is the below to the tongues, produce water and mucus. This gland is a continuously is a pour saliva into the mouth cavity. Do you know that the amount of salivary secret is about 1000 to the 1200 ml per day? It is the most important for here. It is a 1000 to 1200 ml per day is a produce of salivary secret above the sublingual gland. The word see. Point is a function of saliva. What is the function of the saliva? It's the most important question. It is a clean the mouth cavity and the then there to destroy the germ with the lye enzymes that is the cause of teeth decay. Friend, there is the a destroyed germ. This is the most important function, and it is the most tense. There to lubricate food with the help in the swellings, and is at. It acts as a solvent as the dissolving some food particle is a stimulate taste buds of their tongue. It's the most important features. Saliva is a help to the digestion of food is a containing an enzyme salivary amylase which the digest starch converted into the sucrose. That is why the starch when the chewed and the leaves is a sweet taste in the mouth. It is the most important of chewing in the mouth. The one next is a D is a liver. The liver is the largest gland localized in the upper right side of abdomen below their diaphragm. It is secreted a bile which gets collected in a gallbladder and is finally forwarded into the ductus and through the common bile duct. And besides the secreting the bile which helps in the digestion, the liver has a numerous other function. There is a pancreas. Is the pancreas is the reddish as a brown gland located in the band of the duodenum. It's a digestive secretion of pancreas juice in a pure into the duodenum by the pancreatic duct. The pancreas also produces current hormones which will be take up to the detail in the lesson 16. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है कि पाचन ग्रंथियाँ। देखिए पाचन ग्रंथियाँ जो होती है पाचन एंजाइम के स्रोत्र होते हैं, यानी पाचन ग्रंथि जो होती है पाचन एंजाइमों के स्रोत्र होते हैं। कहते हैं पाचन तंत्र जो है पाचन एंजाइमों के दो स्रोत्र माने जाते हैं, एक तो होते हैं अमाशय और एक होते हैं छोटी आंत के उपकला यानी एपिथिलियम्स। एपिथिलियम की जो ग्रंथि कोशिकाओं जो अपने स्वादों को सीधे ही आहार नाल के अवकाशिकीय यानी ल्यूमेंस में छोड़ देती हैं, यानी अवकाशिका जो होता है ल्यूमेंस में छोड़ दिया जाता है। कहते हैं विशिष्ट ग्रंथि जैसे कि लाला यानी लाड़, लाला यह जो दिया गया लाड़ के लिए बोला गया यानी
सलाइवा के लिए बोला गया है। सलाइवा ग्रंथि जो होती है युक्ति और अग्नाशय जो अपने स्वतों को अपनी अपनी वाहिकाओं द्वारा जो है आहार नाल में छोड़ते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। अब कहते हैं यहाँ पर सलाइवरी ग्रांड जो है, यानी इसको हम लाला या कहते हैं या लार ग्रंथि भी कहते हैं। तो लाला एग्जाम में अगर कोई रहता है तो ये लाला रहेगा नहीं, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ लाला ग्रंथि ही कहा जाता है या सलाइवरी ग्लैंड के नाम से भी आप जान सकते हो। कहते हैं हमारा मुख जो है हमेशा ही नम बना रहता है, यानी मॉइस्चराइज रहना पसंद करता है। आपको पता है कि मुंह में हमेशा जो है सलाइवा रहती रहती है, चाहे वो गर्मी के दिन ही हो ही क्यों ना हो, हर समय रहता ही रहता है। ऐसा क्यों आखिर होता है? ऐसा लार नामक एक जो है जलीय तरल, जिसे हम लार यानी लाला यानी सलाइवा कहा जाता है, के कारण होता है, जिसका स्वाद जो है लाल ग्रंथि से होता है, यानी लाल ग्रंथि से जो है इसका जो है स्वतः होता है और ये जो मुख के भीतर आ जाता है, और इसी लार के कारण हमारा मुख हमेशा ही नम बना रहता है। तो ये सलाइवा ग्लैंड की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, सलाइवरी ग्लैंड का इंपॉर्टेंट महत्व हुई है। कहते हैं हमारे मुंह में ये तीन जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है, यानी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है तीन तरह से हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है, जो कि काफ़ी अपना महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान रखती है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है कर्णपूर्णम। कर्णपूर्ण जो होती है दोस्तों ये पैराटिड ग्रंथि होती है, कहते हैं प्रत्येक कान के सामने और नीचे की ओर स्थित होती है और यह जल सम पतली लार का श्वेत करती है, यानी ये पतली लार का जो है श्वेत करती है, जिसमें जो है एमाइलेज नामक जो है एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी एमाइलेज नाम के जो है एंजाइम काफ़ी मात्रा में जो है कर्णपूर्ण के रूप में पाया जाता है, जिसको हम पैराटिड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा एंजाइम दोस्तों पाया जाता है? एमाइलेज नामक एंजाइम जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पाया जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अद्रोजंव, यानी सब मैक जो है सब मैक्सिलरी ग्रंथि, यानी सब मैक्सिलरी ग्रंथि जो होती है जिसको हम निचले जबड़े के भीतर पार्श्व के समीप स्थित होती है और ये जल तथा श्लेष्मा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है दोस्तों? जल तथा श्लेष्मा ये उत्पन्न करती है, यानी इसको मोक्ष ये उत्पन्न करेगी और वाटर उत्पन्न करने के लिए ये बनी हुई होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बात यहाँ रखता है। उसके बाद अद्रोजिया, यानी जिसको हम सब लिंगवॉर्म्स भी कहते हैं, ग्रंथियाँ होती है जीवा के नीचे स्थित होती है, लेकिन टंग के जो होता है नीचे पार्ट में ये स्थित होता है, और जल तथा श्लेष्मा यानी ये जल और जो है ये मोक्ष को, वाटर और मोक्ष को जो है उत्पन्न करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोक्ष को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ये ग्रंथि जो है। मुख गुहा में निरंतर लार छोड़ती ही रहती है। इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट कार्य दोस्तों यही है कि ये जो है हमेशा जो है लार छोड़ती ही रहती है, कंटिन्यू लार छोड़ती रहती है। क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन लगभग जो है 1000 मिलीलीटर से लेकर हम जो है 1200 मिलीलीटर तक लार का स्वतंत्र होता रहता है। आप देखिए दोस्तों कितनी इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि प्रतिदिन लगभग 1000 से लेकर 1200 मिलीलीटर तक लार का जो होता है स्वतंत्र होता ही रहता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात जो है हमारे समक्ष आया है। कहते हैं लार के अपर कार्य के, देखिए लार जो होता है क्या कार्य का, क्या फंक्शन है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। लार जो है मुख के श्वेत रखती है और दांतों का क्षय करने वाले रोगाणुओं को नष्ट भी करती है। अब देखिए लार जो होता है हमारे अगर मुंह में कोई जम्स होता है तो उसको जो है ये डिस्ट्रॉय करती है। अब इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम इसको गलत तो नहीं कह सकते ना, इतना इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है। लार में जो है हमें लाइसोजाइम्स होते हैं, याद रखना दोस्तों लार में जो होता है लाइसोएंजाइम होते हैं, जो जीवाणुओं को नष्ट करने में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देते हैं। तो कौन जो है आपको जीवाणुओं को नष्ट करने के उत्तरदायी होती है दोस्तों? लाइसोजाइम जो होती है वो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर निभाती है। कहते हैं लार जो है भोजन को नम और चिकना बनाती है। अब देखिए भोजन जितना चिकना रहेगा उतना जो है इनहेल करने में उतना ही हेल्पफुल रहेगा। तो लार भोजन को नम और चिकना बनाती है और इस प्रकार भोजन को निगलने में भी हमें सहायता मिलती है। अगर मान लीजिए उसमें अगर लार नहीं मिला रहेगा तो आपको निगलने में बहुत ही तकलीफ का अनुभव होगा। कहते हैं तीसरा पॉइंट यही बात बताती है कि लार एक विलायक के रूप में कार्य करती है। दोस्तों ये जो होता है लार एक जो है सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर फंक्शन करती है, जिसके कारण खाद्य कणिकाएँ घुल जाती है, यानी खाद्य कण जो होते हैं आपस में मिक्स आउट हो जाते हैं। मिक्स होना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि जीवा को स्वाद कलिकाएँ यानी टेस्ट बड्स जो होते हैं यानी स्वाद कलिकाएँ उद्दीपित हो सकें, यानी जो स्वाद जो होता है आपको पता कि स्वाद लेने वाला पार्ट भी होता है, तो वो उद्दीपित होना अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है, ठीक है।
कहते हैं लार भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करती है क्योंकि लार में जो है एमाइलेज नामक एक एंजाइम होती है। देखिए लार जो होता है भोजन के पचाने में, हम जब कुछ ही खाते हैं तो हमारा पाचन सिस्टम जो होती है मुख से ही स्टार्ट हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही उसमें लार मिलता है उसका पाचन क्रिया जो होती है शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि वो जो लार में जो होती है वो माइलेज नामक एक एंजाइम होती है जो स्टार्च को पचा कर जो है सुक्रोस में यानी गन्ना सकरा में बदल देता है। अब देखिए यहाँ पर जो है स्टार्च को ये पचाकर क्या करता है, सुक्रोस में बदल जा देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रखता है। इसी कारण स्टार्च चबाया जाता है तो मुंह में हमें मीठा स्वाद अनुभव होता है। आपने देखा होगा चाहे आप रोटी चबाओगे या काफ़ी टाइम तक चबाओगे तो आप आपको एक मिठास ही अनुभव होगी। जो मिठास होती है एक्चुअली में जो है सुक्रोस की वजह से होती है, स्टार्च को पचा कर ये सुक्रोस में कन्वर्ट कर देती है जिससे हमें क्या होता है दोस्तों, मीठा अनुभव होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है यकृत। यकृत को हम लीवर कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में यकृत के नाम से ये जाना जाता है। कहते हैं यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए कहते हैं हमारे शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत यानी लीवर को ही माना गया है, और ये जो होता है डायफ्राम के नीचे उदर में दाएं पक्ष में ऊपर की तरफ स्थित होती है यानी डायफ्राम के पास में होता है। यह जो होता है पित्त का श्वेत करती है, याद रखना दोस्तों, ये जो है वाइल जूस को जो है ये सिक्रेशन करता है यानी पित्त को जो है श्वेत करता है, जो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर जो गॉल ब्लैडर को भीतर इकट्ठा हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है पित्ताशय गॉल ब्लैडर वहाँ पर जो है ये काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रखता है। कहते हैं पित्त अंततः जो है सामान्य पित्तवाहिनी यानी बाल डक्स के जरिए जो है ग्रहणी में भेज दिया जाता है, यानी ग्रहणी में जो है ग्रहणी में भेज दिया जाता है जहाँ पर पित्त जो पाचन में मदद करता है और ये इम्पोर्टेंट रोल भी यहाँ पर अदा करता है। कि स्वाद के अलावा यकृत अन्य अनेक कार्य करता है, जो कि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है पित्त सामान्य पित्तवाहिनी में यानी जो है बाल डक के जरिए जो है कहाँ भेजा जाता है, ग्रहणी में भेज दिया जाता है, अंततः जो है पाचन में ही मदद करता है, और स्वाद के अलावा यकृत यानी लीवर अन्य अनेक कार्य भी करते हैं। अब यहाँ हमारे समक्ष आता है अग्नाशय जिसको हम पैंक्रियास भी कहते हैं। अग्नि का मतलब होता है प्लस आशय, दो वर्ड से बना है अग्नि प्लस आशय। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अग्नाशय लाल से भूरे रंग का होता है, यानी ये लाल से आपको भूरे रंग की तरफ दिखेगा जो ग्रहणी के घुमाव वाले भाग में स्थित होता है। इसका पाचन स्वाद जो होता है अग्नाशय रस यानी पैंक्रेट जूस अग्नाशय वाहिनी यानी पैंक्रेटिक डक्स के कारण होता है कि जरिए ग्रहणी में छोड़ दिया जाता है। अग्नाशय जो कुछ एक हार्मोन भी उत्पन्न करता है जिसका हम जो है विस्तृत जानकारी जो है पार्ट 16 में करेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे 16 पार्ट तो उसमें जो है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर इसका क्या कार्य है और कौन कौन से हार्मोन जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये देखिए दोस्तों कहते हैं अग्नाशय लाल जो है भूरे रंग की होती है जो ग्रहणी घुमाव वाले भागों में स्थित होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रखता है और ये बात ज़रूरी भी हो जाती है। अब कहते हैं दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक था यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसका अगला पार्ट जो है हम आगे करेंगे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बारे में जो है हम काफ़ी कुछ जानेंगे कि हमारा जो है शरीर में पाचन प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो पाचन प्रक्रिया यानी जो है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव के बारे में जानना है तो इसका अगला पार्ट देखना आप मत भूलना, अगला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आपको जो है आपको पता ही है कि आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आपको मुझे जो है हेल्प करना है, आपको मदद करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कहते हैं कि आपका वीडियो मिला नहीं, फिर बाद में वो मुझे कंप्लेन करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं तो इस पर डाल देता हूं, ठीक है, यूट्यूब पर डल जाता है, मैं बनाता हूं मेहनत करके डाल देता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये कैसे जो है आप तक पहुँचेगा, कैसे उन बच्चों तक पहुँचेगा जिनको ज़रूरी है, ठीक है, इसका मुझे इतना नॉलेज है नहीं। तो मैं इसमें कहता हूँ कि आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है, कि मुझे पता है। देखिए अब मैंने बहुत से देखे हैं कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो बनाते हैं वो डायरेक्ट जो होता है किसी भी कॉन्टैक्ट पे चला जाता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना मैं कोई गलत तरीके से करवाना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ। कहते सिंपली मैंने डाल दिया, जो रिसर्च किया और रिसर्च में जो है जो पहले दूसरे बंदों का ही आता है, फिर जाके मेरा आता है, लास्ट में आता है, तो इसको जो है बच्चे नहीं देख पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस हो या कैसे भी हो उन तक पहुँचाने में आप जो हो मेरा हाथ बनो और मेरा जो है इस कार्य में जो है आप भी सहयोगी बनो। कहते हैं दोस्तों गलत काम
करने में आपको जो है तकलीफ होगी, गलत काम सोचने में गलत होगी, लेकिन जो कहते हैं अच्छे कार्य होते हैं उनमें सोचने की आवश्यकता नहीं होता है, इसमें सिर्फ कार्य करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, किसी को हेल्प मिल जाता है, वो देख के अगर संतुष्ट हो जाते हैं, उनको हेल्प मिल जाता है, क्योंकि त्रिपाण सेंटर से आपको पता ही है कि 8 से लेकर BA तक के कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को किसी न किसी रूप में इनको हेल्प मिल ही जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लोगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर रहेगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।